मेलिसा, इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? डरा दिया मुझे। माफ कर दे, मुझसे सोया ही नहीं जा रहा। मैं कैसे सो सकती थी? आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और खुशी का दिन है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो फिर किचन में मेरे साथ नाश्ता बनवाने में हेल्प करो। जरूर। अच्छा, सबसे पहले ये पकड़ो। ठीक है। और फिर इसे भी जैम के साथ वहाँ रख देना। ठीक है। और ये चम्मच भी साथ रख दो। आपका शुक्रिया। तब तक मैं अंडे उबाल लेती हूँ। डेफने जान, बेटा जरा आराम आराम से खाना खाओ और भूलो नहीं कि तुम एक अच्छे खानदान से हो। ठहर ठहर के खाओ। फिर तो मैं लेट हो जाऊंगी। आज तुम्हें मैं खुद स्कूल ले जाऊंगी, लेट होने की फिक्र मत करो। सब पैदल आते हैं। क्योंकि उनके पास ऐसी माएँ नहीं है जो उन्हें खुद स्कूल छोड़ने जाए, या फिर उनके पास स्कूल जाने के लिए कोई सवारी मौजूद नहीं है। लेकिन रास्ते में बातें भी तो करनी होती है। देवनी तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें करने लगी हो? बिल्कुल गांव वालों की तरह बात करने लगी हो तुम। तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अम्मी हम बातें करते हैं। ठीक है, तो फिर स्कूल में ही सारी बातें कर लेना। उरहान जान, हम भी बैठे हैं यहाँ, जरा सर उठाकर हम दोनों की तरफ भी देख लीजिए। कुछ कहना? हाँ बिल्कुल। मैं कह रही थी कि क्यों ना हम सब छुट्टी वाले दिन मिलके किसी सुपरमार्केट चलते हैं, क्या ख्याल है? क्यों? क्यों क्या मतलब बुरहान? सुपरमार्केट लोग क्या करने जाते हैं? मैं इस गांव से बेजार हो चुकी हूँ, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। खुद को वक्त देंगे, शॉपिंग करेंगे और बच्चों को भी थोड़ा अच्छा माहौल मिल जाएगा। हाँ तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो ये बात? बच्चों को लेकर चले जाओ, मुझे बहुत काम है। मैंने कहा हम सब साथ जाएंगे, बच्चों को लेकर जाना होता तो तुमसे क्यों पूछती? मुझे बाबा के साथ रुकना चाहिए, मैं चली गई तो बाबा को डर लगेगा। ओ, ठीक कहा, मुझे बहुत डर लगेगा। तुम्हारी मर्जी है जरा, मैंने बता दिया है मसरूफ हूँ, नहीं आ सकता। अगर चाहती हो हम सब साथ हो तो यहीं रुक जाओ। उरहान, जरा बताना कि आखिरी बार हम सब साथ मिलकर कहाँ गए थे? हम रोज साथी तो होते हैं, इस वक्त भी साथी हैं। उरहान, मैं रोजमर्रा की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे बहस नहीं करनी है जरा, दिल लगा कर पढ़ना। शुक्रिया बाबा। क्यों खा रही हो? मैं दिन छोड़ देगा तुम्हें स्कूल। इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं पैदल चली जाऊं? वो कहा जाता है ना कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है। मैं छोड़ दूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आपको अपने काम पर जाना होगा ना, मुझे कुछ दरख्त देखने हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करना है। दरख्तों का शुक्रिया अदा करना है? बिल्कुल। जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे यहाँ रुकने की दुआ करना, इसलिए मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है। लेकिन दरख्त तो अच्छा, खैर जो करना है करो। वहां सबकी इज्जत करना,
वैसे तो मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन कम बोलना और ज्यादा सुनना। और चाहे जो भी हो, वहाँ लड़ना नहीं किसी से, समझ गई? अच्छा ठीक है, और स्कूल खत्म होते ही घर वापस आ जाना। अपना ख्याल रखना। आपका शुक्रिया, फिर मिलते हैं। चलो मैथिन, हम दोनों को अभी बहुत सारे काम करने हैं, खेतों में काम खुद बखुद नहीं हो जाएगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ प्यारे दरख्तों। मुझे मालूम नहीं आपने क्या किया, कोई जादू किया या दुआ की, मेरे लिए अच्छा सोचा। जो भी है, मगर इससे मेरा काम हो गया और अब मैं यहीं रहूंगी। मालूम है मेरा स्कूल शुरू हो गया और अभी मैं स्कूल जा रही हूँ। बस अब कोई खानदान मुझे जल्दी अडॉप्ट ना कर ले, मैं यहाँ ज्यादा अरसा रहूंगी। प्यारे दरख्तों, क्या मैं कुछ और मांग सकती हूँ अगर बुरा ना माने? क्या आप दुआ कर सकते हैं कि मैं यहाँ ज्यादा दिन रहूं? यानी जितने ज्यादा दिन उतना अच्छा होगा मेरे लिए। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, मगर अब मुझे जाना होगा वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मैं वापस आऊंगी, ठीक है, फिर मिलते हैं। अम्मी मेलिसा, अम्मी, अम्मी, हम मेलिसा को भी बिठा लेते हैं ना? मेलिसा वही है ना जो यतीम खाने से आई है? हम इस बारे में बात कर चुके हैं देफ ने। अम्मी वो अच्छी है, आप बात करेंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो, जहाँ कोई बदहाल दिखता है फौरन पहुँच जाती हो। वो लड़की तुम्हारे मायार की नहीं है, उससे फासला रखा करो। लेकिन अम्मी। कोई लेकिन वेकिन नहीं देफ ने, फासला रखो का मतलब है फासला रखो, यानी उस लड़की से दूर रहो। देखने? मेलिसा, यकीन नहीं आ रहा तुम यहाँ पर हो। हाँ मुझे भी, काश ये सब एक ख्वाब ना हो। देखने मुझे थप्पड़ मारो, हकीकत है। मगर अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ सच है। मुझे माफ करना तुम। माफी की क्या जरूरत है, मैंने खुद ही तो कहा है। वैसे मुझे इस दर्द की खुशी है क्योंकि ये सच है देवने, ये सच है। चलो आओ क्लास में चलें। ठीक है, आओ जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। मैं ठीक। तुम स्कूल आ गई? हाँ आ गई, और स्कूल आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार। अच्छा लग रहा है, हैरत है, तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, अब चले हम। मिलते हैं फिर। भागो नहीं बच्चों, भागो नहीं, गिर जाओगे। क्लास का वक्त है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट रुको, तुम फिर से आ गई यहाँ। तुम्हारे वालदैन को पता है यहाँ हो तुम? सबा बखैर सर, अब मेरा यहाँ एडमिशन हो गया है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम। चलो आओ मेरे साथ। क्या हुआ सर, कोई मसला है क्या? यशिम साहिबा, खुद देख लीजिए आप, ये है वो मसला। मुझे तो कोई मसला नजर नहीं आ रहा। मेलिसा का एडमिशन अब हो चुका है, आज से ये यहीं पड़ेगी। एडमिशन? ये कब हुआ? कैसे हुआ ये? मैं इस बारे में क्यों नहीं जानता कुछ? आप यहाँ मौजूद नहीं थे तो प्रिंसिपल साहब ने मुझसे कह दिया था, अगर आप उनसे बात कर लेंगे तो मालूमात मिल जाएंगी। चलो बच्चों चलते हैं। शुक्रिया यशिम साहिबा। दिन अच्छा गुजरे आपका। भाग क्यों रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता क्यों भागते हो तुम लोग। इस मोबाइल को अंदर रखो फौरन, अब नजर आया तो तोड़ दूंगा इसे। आप
आजो मेलिसा। सुबह बखैर बच्चों, चले सब जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाए। शाबाश। चलो बच्चों जल्दी करो। आप सब मेलिसा को तो जानते ही हैं, ये यहाँ मेहमान बनकर आई थी उस दिन, और पता है इन्हें हमारा स्कूल इतना अच्छा लगा कि इन्होंने एडमिशन ले लिया है। अब ये भी आप लोगों के साथ यहीं पढ़ेंगी, और मुझे यकीन है कि आप सब इनसे बहुत जल्द दोस्ती भी कर लेंगे। हमारी क्लास में खुश आंदीद। आपका शुक्रिया मैम। तो कल नील हमें बता रही थी कि उसने छुट्टियों में क्या किया।